भैया एनडीए में नीतीश कुमार की जाने की शुरुआत हो गई है। ये कोई शुरुआत नहीं है, हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। भैया आज का चुनावी बिगुल आज से बिगुल बहुत पहले बज चुका, सुना नहीं तुमने? बिगुल तो पहले बजा, तुम्हारे कानों तक आवाज नहीं आई, पता नहीं क्यों। ज्ञान वापसी सर्वे शुरू हो गया, ये इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की, किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत की योजना चला रहे थे, तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो ताना बाना है भाईचारे का, एकता का ताना बाना है, उसको तोड़ने की साजिश है। क्या आप कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी कन्नौज से लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सफाया होगा यहाँ से, और भारतीय जनता पार्टी घबराई घबराई घूम रही है, भारतीय जनता पार्टी घबराई घबराई घूम रही है, उन्हें लाइए इंजीनियरिंग कॉलेज में खड़ा करो छत पर और उनसे पूछो कितना काम किया उन्होंने, और मंडी क्या मंडी पे मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल में मंडियों में और परफ्यूमरी पार्क में स्टेडियम में लोहिया पार्क में जनेश्वर मिस गांव में और 100 नंबर वाली 112 करके पुलिस को बताओ खुली छूट दे दी कि नहीं दे दी। ये हमारे प्रेस के लोग भी सच नहीं बोल सकते, अगर सच बोला तो पुलिस भेज देंगे इनके घर पे। देखिए ममता जी ने लड़ने के लिए कहा, इसलिए कांग्रेस को मनाना चाहिए, कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है छोटे दलों को साथ लाने की। अंकल छात्रों की आवाजों को दबाया जा रहा है। कोई आवाज नहीं दबाएगा, अगर कोई दबा रहा है तो माइक से बोल दो अभी। मैं जानता हूँ बता दिया, उसे पर्चे दे दिया। नहीं, मैं इन छात्रों की भी समस्या का समाधान करूंगा, मुझे लिख करके देना जिसे सदन में उठाया जा सके। अभी किसी से शिकायत मत करो यहाँ पर, मुझे लिख के दे देना। मैं जानता हूँ तुमने पर्चे दे दिया है, बीरेन जी के परिवार के हो। भैया यूपी में गठबंधन की राय बन गई है? बहुत अच्छा गठबंधन हो रहा है और सीट का नहीं है, जीत का गठबंधन है। ये कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी? सीटें की संख्या कितनी भी हो सकती है, गठबंधन जीत के आधार पर है, जीत ही हमारा बंटवारे का रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि इंडिया गठबंधन अब भटकने लगा है। वो खुद ही भटके हुए लोग हैं, बीजेपी के लोग भटके हुए लोग हैं, बीजेपी के लोग किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए, नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, और खैर कन्नौज के लोग आप समझिए प्रदेश देश भूल जाइए, कन्नौज को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने कि नहीं कर दिया बर्बाद? ये सड़कें वही हैं जो समाजवादियों ने बनाई, ये फोर लेन जिसमें चल रहे हो आप, ये समाजवादियों ने बनाई, एक्सप्रेस वे समाजवादियों ने बनाया, नहर के किनारे वाली सड़क समाजवादियों ने बनाई, और जो समाजवादी बनाया उसके अलावा एक काम और किया हो तो बता दो।